أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے باواز بلند بڑی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله ایک مرتبہ حضور برکت واسطے مل کے پڑھ لو السلام تو سلام علیک یا سیدی یا شاہد و مبشر و نذیر و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا سراج منیر ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجده عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله بندائے پروردگار امت احمد نبی دوست دار جار یار تابع اولاد علی مذهب انفیا دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ محمد چار یار آج ہی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار آج ہی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید مکے چار چفیرے پکار پہ گئی والی کل جہان دا آیا بدوہا مکھڑا کسے ماں کرما والی جایا اے جدوں ٹردا جدوں ٹردا کردی زمین سجدے شجر و حجر نسیس نوایا تائیوں رل میں اسی سارے آخ میں بنایا ہے بنایا ہے
बनाया है। अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद ला तादाद बेहद बे हिसाब दुरूद हुजूर सरवरे कौन है ताजदारे अंबिया शाहे हर दो सरा वाली गुल जहां सैयद सरवरा नजरे ताबा हम ये बेकसा अहमद मुजतबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दी बारगाह दे अंदर हदियाए दरूद सलाम पेश करने तो बाद अज दी चौथी सालाना महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इनेकाद पजीर है जिस दी सदारत शहजादाए गौसुल वरा भई हलो तुसी इंज करोगे तो वह लोग की करन तवज्जो करो शहजादाए गौसुल वरा नगीनाए अहले बैत पीरे तरीकत राबरी शरीयत परवरदा गोश विलायत पीर सैयद मताओ रसूल शाह साहिब जीदा मजदहू जीदा शरफू जीदा चश्मू मसनद सदारत जलवा फरोजनी सुम्मा अलहम्दुलिल्लाह किबला पी सब की जियारत भी कर रहे हैं और सादात दे नाना जान दे जिक्र दी महफिल भी बैठे हैं। काश किसी अपने मर्तबे नू समझ जाइए काश काश कि असी समझ जाइए कि अज असी किस याद च बैठे हैं। भाई अमजद अली आलम साहब किबला पीर सैयद अता रसूल शाह साहब अल्लाह दी कामिल वलिया हुई है नावे राबिया बसरी ओ बेलियो तवज्जो मेरे अल करो अल्लाह दी कामिल वलिया हुई है नावे राबिया बसरी आप ते किसी ने सवाल किया किबला शाह जी कि बंदा जदों तौबा करता है ते बंदे नूं किवें पता लगता है कि मेरी तौबा कबूल हो गई है। ते हजरत माई राबिया बसरी ने इरशाद फरमाया कि बंदा उतन तक तौबा कर ही नहीं सकता जितन तिकर कबूलियत का दर्जा ना मिले। हुण जे अगर तुसी जिवें नातखानी चलती रही है जे अगर उंज राजी हो तो मैं खड़िया होके उंज पढ़ लेना रंग मैनू सारे आउंदे ने अलहमदुल्ला नक्शबंदियां दा मलंगा ते अलहमदुल्ला सारे रंग आउंदे ने ते जे अगर तुसां गुफ्तगू सुननी है नबी दा मिलाद सुनना है ते फिर मिलाद वाला माहौल बनाओ। मैं जो सूरह मुबारक पढ़िए इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले रब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर पूरे कुरान दे विच्चों सब तो छोटी सूरत मुबारक है ते सब तो आला सूरत मुबारक है। तवज्जो मेरे नबी पाक अली सलाम दी जाहरी जिंदगी मुबारक गुजर गई 40 साल किन्ने साल 40 साल इन्हां 40 सालां दे विच नबी अलैहि सलातु वस्सलाम दे सारे लोग अपने ने कोई भी हुजूर दे नाल अदावत नहीं रखता किसी नूं भी कोई रंज नहीं बल्कि सरकार ने जदों ऐलान नबूवत फरमाया ने तो सरकार ने फरमाया लोगो अगर मैं तुहानूं कहां ऐस पहाड़ी दे पिछे फौजे जिहड़ी तुहाडे ते हमला करन वाली है क्या तुसीं मन लोगे। सब अपने आप बेगानिया ने यह गल की कहते हैं कि ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा 40 साल साडे विच जिंदगी गुजारी है असा तुहाडी जुबान दे विचु अज तक कोई कच्ची गल नहीं सुनी अगर तुसी इरशाद फरमाओ तो असी मान लवांगे। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया या अय्युहन नास ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाह फिर मैं तुहाडी तरफ अल्लाह दा रसूल बन के आया हूं
फिर मैं तुहाडी तरफ अल्लाह दा। अच्छा जदों हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया ना किबला शाह जी, तो फिर बिलखसूस सब तो पहला जड़े हुजूर दे दुश्मन हुए वह हुजूर दे अपने सन, हुजूर दे अपने सन दुश्मन हुए। सरकार दे दुश्मन उन्हें क्या ले साडे भाई दा पुत्र अब्दुल्ला दा लाल, ते फिर ए नबी अहबाबे ग्रामी कादर मेरे करीम आका अली सलाम दे गुलाम, तवज्जो चाहना मेरे अल मेरे अल गौर करो, बिल आखर सरकार दी दुश्मनी इलाने नबुवत 40 साल तू बाद इलाने नबुवत तू फौरी बाद दुश्मनी शुरू हो गई, शरीका शुरू हो गया, वैर शुरू हो गया। फिर मेरे नबी ने जिंदगी मक्के च गुजारी है 13 साल, किन्ने साल इन्हें 13 साल मेरे नबी दे नाल दुश्मना ने हर किस्म का जुल्म किया, हर किस्म दी तकलीफां दित्तियां ने। मेरे नबी गलियां च गुजरते ने कंडे खिलार देंदे ने, हुजूर नमाज पढ़ते ने उत्ते उजरियां रख दी जांदियां ने, हुजूर अली सलातो सलाम इन्हां नूं तबलीग करदे ने ते लोग अपने बच्चों को पत्थर मरवांदे ने। फिर सरकार दा सर मुबारक जख्मी हो जाता है खून, इंज सरकार दी रीश मुबारक दे विचों गुजरदा आया, पैरां दे नखना तक आया, तो सरकार दे सहाबा ने सरकार दी हालत वेखी तो परेशान होकर अर्ज करदे ने सोहणिया इन्हां वास्ते बद्दुआ कर। तो सुन जहरा दे बाबे दा फरमान, मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे गुलामो मैं इन्हां वास्ते बद्दुआ नहीं करनी, क्योंकि ए नहीं इन्हां दी आउण वाली नस्ल मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़ जाएगी। अच्छा तवज्जो चाहना इधर वही आ रही है ऐलान नबूवत पर, तवज्जो करनी वही आ रही है किबला शाह जी, वही आ रही है मेरे नबी दा बेटा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के हवाले नाल हजरत कासम ने एक और रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहिम ने मेरे नबी दे बेटे आपका विसाल हो गया मक्के विच, मक्के दिया काफरां अबू जाल अबू लाब उतबा शैबा इन्होंने आख्या ले हुण मुहम्मद का एक पुत्र रह गया सी ते ओ फौत हो गया, हुण पिछे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा है ही कोई ना, साडी जटकी जबान च जिदे कोल औलाद ना होवे असीं उहनूं की आंदे आ औतर, की कहंदे आ अज जटकी जबान च असीं उहनूं औतर कहंदे आ। जदों नबी पाक दा बेटा फौत होया ना तो मक्के दे काफरां ने मुशरकी ने मक्का वा कुफारे मक्का ने हुजूर दे बारे गल्लां कीतियां, कहंदे ने लो जी हुण माज़ल्ला मुहम्मद अबतर ने, अबतर दा मतलब ओही है जिहड़ा मैं तुहानूं झटकी जबान ने समझाया कि लो जी हुजूर दे कोल हुण पुछे पुत्र है ही कोई ना। अकल दी गल है, सरकार दी अपनी जिंदगी तक के नबूवत राणी है, सरकार दी अपनी जिंदगी तक के कलमा राणे, सरकार दी अपनी जिंदगी तक के दीन राणे, मुहम्मद दे अपनी जिंदगी तक दीन दा कानून राणे। जदों मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने विसाल कर जाने पिछे दा ना ही किसी नहीं लेना, पिछे दा ना ही किसी नहीं लेना। जो मक्के दे काफर ए गल की ना हुण सिमन ने गल समझांदा जावां, हजरत आदम तो लैके हजरत ईसा तक जितने नबी आए ने ना कौम ने नबियां ते इतराज किए ने, बल्कि कौम एडी एडी जालम रही है कि एक दिन के अंदर किबला शाह जी बनी इसराइल के 70 अंबिया नहीं करवा दे, एक बारी बोलो। अच्छा तवज्जो है मेरे अल तवज्जो करो, इधर 1,24,000 नबी आए, कौम ने नबियां ते इतराज किया, हर नबी ने अपनी सफाई खुद ऐलान किया, अपनी सफाई खुद बयान दिता है,
कि मैं ऐ कौम जड़ा तुसा इतराज लाया वो मेरे च इतराज नहीं। हर नबी ने अपनी कौम नु खुद सफाई दी है। किबला मास्टर साउंड साहब थोड़ा जहा तावन करना तवज्जो कर दी। अहबाबे गिरामी कदर, हर नबी ने अपनी सफाई खुद दी है। वारी आ गई तेरे ते मेरे लजपाल नबी दी, वारी आ गई हसनैन करीम ऐन दे नाना जान दी, वारी आ गई ज़हरा दे बाबा जान दी, वारी आ गई तेरे ते मेरे लजपाल दी। मेरे नबी दा ज़माना आता साए, मेरे नबी दे बेटे दा विसाल होया। मक्के दी चादरियां ते सरदारा ने गल कीती ते ला जी मोहम्मद दा पुत्र हुण फौत हो गए, हुजूर ने पीछे ना लैण वाला कोई नहीं। इधर तवज्जो करी, इधर हुजूर नु पुत्र दे विसाल दी तकलीफ है, इधर शरीकां दीआं गल्लां दी तकलीफ है, दुश्मनां दीआं गल्लां दी तकलीफ है। इधर जदों मेरे नबी नु गमगीन होए ना किबला शाजी, इधर नबी गमगीन होए ते दुश्मन गल्लां कर रहे ने। अल्लाह फरमांदा है सुनिया इन्हां नु जवाब तुसा नहीं देना, मैं देना। इन्हां नु जवाब तुसा, इन्हां नु जवाब तुसा नहीं देना, इन्हां नु जवाब, इन्हां नु जवाब मैं देना। खालिक कायनात ने जनाब जबरील अमीन ने हुक्म फरमाया, जबरील हुक्म आवे मौला मिट खोल दो, मिट थोड़ी जी हाई खोल दो। बड़ी तवज्जो जाना, खालिक कायनात ने फरमाया ऐ जबरील जी हुक्म आवे मौला, खालिक कायनात ने फरमाया जा मेरे यार नु मेरा पैगाम दे दे, या अल्लाह की देना है। अल्लाह फरमांदा जा मेरे महबूब नु पैगाम दे दे, इन्ना शाजी मलिक साहब बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। मैं थोड़ी जी देर हाजिरी पेश कर रही, लेकिन बड़ी तवज्जो ने अपने हर हर जुमले का इंशाल्लाह जिम्मेदार हूं। खालिक कायनात ने फरमाया जबरील जा मेरे यार नु पैगाम दे दे, इन्ना आतिमा करके सुने जरा तेरे दुश्मन तेरे पुत्र दे विसाल दे सिर माजल्ला अबतर कह रहे ने कि लो जी मोहम्मद माजल्ला अबतर हो गए, हुजूर दा नाम लेने वाला किसे नहीं रहा। अल्लाह दी कुदरत ऐलान कर दी सोने इमा आतैना कल कौसर, सोने तेरा पुत्र मैं बुलाया घबरा नहीं बदले, अल्लाह ने मेरे नबी नू बीबी बतूल बेटी दिती, किसी ने लिखिया कौसर की शक्ल, अल्लाह ने हसनैन करीम जो पुत्र दिते ने, किसी ने लिखिया मुस्लिम शरीफ इमाम मुस्लिम ने लिखिया तो कौसर की आसमान जमीन जिलमान कायनात के अंदर अल्लाह की जात के बाद और मुस्तफा करीम की जात के बाद कायनात के बीच जेड़ी चीज इमाम बुखारी ने लिखिया कौसर जन्नत में एक नहर है। आप बराबरा ने जीर कलम एक और मुहद्दिस ने लिखी है कौसर आबे कौसर, हर मैं फकत सिर्फ कौसर पे पढ़ा ते एक कौसर खत्म नहीं हो सकती। अगर कौसर पे पढ़ा इमाम मुस्लिम ने लिखी है कायनात थारी है कौसर ज्यादा। आप बराबरा ने जीर कलम इधर दुश्मन मेरे यार दे मेरा नबी दे बेटे दे विसाल ते ताने मार दे रे कि लो जी मोहम्मद माजल्ला अब तरह गए हैं, हुजूर ना किसे ना लेने
वाला कोई नहीं, पिछे नबी का जिक्र करने वाला कोई नहीं, ए नबी की अपनी हयात तैयबा दे विच ही गल रहनी है। आ बरादरां ने जी कलाम एदा अल्लाह फरमांदा है फसल्ली लिरब्बिका हर सोनिया दुश्मन जावा ते मैं जावा तुसी नमाज़ां भी पढ़दे परेशानी होना अकेला फरमा दे हकीकत अवतर तेन अवतर यार मेरा मेरे यार के बारे दुश्मन गल कर जान सुनिया मैं तेरे खालक हूं करना जरा तेन अवतर कह देना मैं इन्हों का कख नहीं लैन देना अल्लाह फरमांदा सुनिया जेड़े तैनू अबतर कहंदे ने ना मैं इन्हां दा कख नहीं रहण देना मैं इन्हां दा ओ बोलो सही सुत्ती कौम मैं इन्हां दा कख नहीं रहण देना। मेरे सजे खब्बे नबी दे शहजादे बैठे ने इन्हां नू पुछो कख उन्हां दा रे जी करबला दी तारीख दे अंदर मेरे नबी का एक पुत्र बचिया नहीं इंज की समात नहीं 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 इंज भी नहीं बिल्कुल नहीं जड़ी गल कर लगा गूंगा बंदा ना बोले जरा बोल सकता वो बोले करबला के अंदर किबला शाह जी मेरे नबी का एक पुत्र मलिक साहब एक बचिया तो यजीद के 15 पुत्र तो 5 धीं बचिया ने करबला दे अंदर करबला दे अंदर यजीद दे किन्ने पुत्र आए ओ बोलो सही 15 पुत्र ते 5 धीयां यजीद दीयां करबला दी तारीख दे अंदर करबला दे वक्त दे बच्चे ने तवज्जो करी मेरे नबी दा एक पुत्र बचे ओ जेड़े नबी नूं अब तर कहंदे सन अबू जाल दा अज पुत्र कोई नहीं नजर आवेगा अबू जाल दा तैनूं कोई पुत्र नजर नहीं आएगा खलोते रहो तो इन्हें भी आखना जो करते भी करने
फिर बोलते पैने जो सुभान लाने तो फिर असी भी आने ये फिर साडा पिंडा दे विच चोखा रिवाज हुंदा है मियां आस आखी ते असी आखां दे अल्लाह करीम ने जदों भी दुश्मन ने हुजूर दे उत्ते कोई उंगल उठाई है ना जदों भी जिस दौर जिस वक्त नबी दी जात ते जदों किसी दुश्मन उंगल उठाई है जवाब कौन दिता है बोलो जवाब मेरे अल्लाह ने दिता है जवाब किन्ने दिता है किबला शादी वही का सिलसिला चल रहा है वही आ रही है आउंदी आउंदी वही रुक गई वही आउंदी आउंदी रुक गई जदों वही रुक गई ना कुछ दिन वही नहीं आई मेरे नबी भी परेशान ने अल्लाह का कलाम सुनने वास्ते कि अल्लाह का कलाम नहीं आ रहा कुछ दिन गुजर गए कोई वही नहीं आई मक्के दे चौधरियां ने आख्या लो जी गल मुक गई है तवज्जो मेरे अल करी भाई लो जी गल मुक गई है मुहम्मद दा रब मुहम्मद नाल नाराज हो गए अस्तगफिरुल्लाह कोई वही नहीं आ रही कोई पैगाम नहीं आ रहा कोई जबरील नहीं आ रहा कोई नवा हुक्म नहीं आ रहा मक्के दे चौधरियां ने गल करनी शुरू कर मुहम्मद दा रब मुहम्मद नाल नाराज हो गए हुण मेरे नबी पहले भी वही रुकन दे विच गमगीन सन कि अल्लाह दा कोई कलाम नहीं आ रहा मैं वही इलाही दे नाल अपने कन्ना नूं महसूस नहीं कर रहा इधर हुजूर पहले भी परेशान सन ते जदों मक्के दे सरदारां गल कीती जदों मक्के दियां चौधरियां गल कीती मक्के दियां सरदारां गल कीती कि लो जी मुहम्मद दा रब मुहम्मद नाल नाराज हो रहे ते इधर मेरे नबी गमगीन होए इधर मेरे नबी गमगीन होए जदों किसे दुश्मन दी गल सुनजे ना कि दुश्मन ने आ गल कीती आखिर दुख ते लगदा है ना तवज्जो है अच्छा जदों हुजूर अलैहि सलातो सलाम गमगीन होए ना अल्लाह ने फरमाया जबरील जी मौला अल्लाह फरमांदा किथे या अल्लाह हाजिर हाँ अल्लाह फरमांदा आ ना मेरा यार दुखी होया बैठा दुश्मनां दीआं गल्लां सुन के मेरा यार दुखी होया खले जा मेरा यार नूं पैगाम दे दे सुनिया मैं तेरे नाल नाराज नहीं होया इत्थे पढ़ा अल्लाह दा कुरान पढ़ा अल्लाह दा कुरान तुहाडा दिल है सुनन ते मास्टर साउंड आलिया अल्लाह तेरी हयाती रखे अल्लाह तेरे साउंड नूं सलामत रखे अल्लाह तेरे हत्थां दीआं पंभीरियां नूं सलामत रखे जड़ियां फेर रहे अहबाबे करामी कदे थोड़ा जिहा तावन भी करी तवज्जो करना इधर अल्लाह ने फरमाया जबरील हुक्म होवे मौला अल्लाह फरमांदा चल यार दी बारगाह च चल किथे यार दी बारगाह खालिक कायनात ने फरमाया जा मेरे महबूब दी बारगाह मेरा पैगाम दे दे या अल्लाह की पैगाम है खालिक कायनात ने फरमाया बंदे हा चक दा नाम की है इस चक दा नाम इस चक दे विच अगर किसी
कोई भी मसला बन जाए, कोई भी इतराज आ जाए, कोई भी मसला बन जाता है, वो बंदा की कर रहा है, आखिरकार अपनी जान इंज छुड़ाएगा। यार बेलिया तू मेरे को कसम ले ले, मैं एक कम नहीं किया, तू मेरे को कसम ले ले, 355 चाकों इतने अगर किसी के उत्ते कोई नजायज परचा आ जाए, अगर किसी के उत्ते कोई नजायज इतराज आ जाए, की आखेगा बेलिया मेरे तू कसम ले ले, कसम लेन वाला भी तैयार हो जाएगा, देन वाला भी तैयार हो जाएगा, आखेगा कि चल मस्जिद च अल्लाह दे कुरान को हाथ रख, या आखेगा चल हाथ रख ना, या आखेगा मैनू अल्लाह दी कसम ए कम मैं नहीं जो कीता, मैं गलत करी सी मामा, अल्लाह दी कसम है, मैनू कुरान दी कसम है, ए कम मैं नहीं कीता, बलिया गौर कर मेरे अल्लाह दे, अल्लाह दे कुरान दे, ए मेरे नबी दा फरमान है, ए मेरे नबी दी ज़ात है, अल्लाह अपने महबूब नु फरमान है, मैनू तेरा चेहरा दी कसम है, मैनू तेरिया ज़ुल्फ़ां दी कसम है, बोलो तो सही। अच्छा बंदे तो परचा मुकदमा झूठा हो जाए, मलक अमजद अवान एडी टेकी ला के ना बो, एडा भी थके आया नहीं तू, हाँ तवजो, बंदे ते झूठा मुकदमा हो जाए, एंड किथे हद है भई बेलिया मैं तू सौ ले ले, मैं तू सौ ले ले, मैं कम नहीं किया, असि भी आने बेलिया सौ मुसलमान की हद है, चल ले लेना जान छाड़ो, मैनू जलील लगे तो चोखा सारा कर ली, हुण छाड़े दी जान। अच्छा बंदा अल्लाह दी कसम चुक गए, बंदा तो चलो अल्लाह ताला दी ताबे वे, बंदे नू तो पता है कि मैं उस पाक हस्ती दा ना लेना है, ते मेरी चूक छुटनी है, मेरा सिर छुटना है, वो अल्लाह है, ओदी जात अल्लाह कुल्ले शैन कदीर, ओदी जात अलीम बिजात सुदूर, कादिर भी होए, जब्बार भी होए, कहार भी होए, गफूर भी होए, राउफ भी होए, रहीम भी होए, ते जे कसम नाम ही चावे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जे कसम नाम ही चावे ते अल्लाह फरमा देवे, मा बद्दा का रब्बू का वा मा कला वलल आखिरत खैरुल लका मिनल उला, सोनिया मैं तेरे ते नाराज नहीं, ते हुक्म मोड़ भी होई है, हुक्म फिर भी ओ ये कि अल्लाह अपने नबी से नाराज नहीं, क्योंकि हुक्म कुरान दे, लेकिन अल्लाह ने दो कसम चाहिए, बोली यार बोली, अल्लाह ने दो कसम चाहिए ने, क्यों चाहिए ने, कि जितना मेरा यार दुखी है ना, मैं कसम चावा मेरा यार राजी हो जाए, मैं कसम चावा, ते कसम भी अल्लाह ने किदी चाहिए, अल्लाह ने नहीं आखिया मैनू अपनी कसम, नहीं अल्लाह ने फरमाया सोनिया मैनू तेरे चेहरे की कसम, सोनिया मैनू तेरिया जुल्फां की कसम, शायर ने बड़े प्यारे अंदाज नाल तर्जमा नहीं की, शायरां ने रब आखिया से महबूब
رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ چاہنا سادات گلاب علانی بڑی توجہ چاہنا اللہ دی قدرت اعلان کر دی شاعر ترجمانی کر دے رب آنکھ سے اے محبوب میں چہرہ کیڑا ہے تیرا میرے نبی دا چہرہ ہے اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں ہر بڑی توجہ جانا اج چند دن نے جن دی تاریخ رات دن ہو گئی ہے تا دن گزر گیا ہے تب رات تیرا دے چودہ دی ہندی ہے کملا شاہ جی سادات جوڑے آتے ہاتھ رکھ میں گفتگو دا ذمہ دارا تے دعا لینا چاہنا تب اپنی
चार पाई छोड़ दी है, मैं अपना बिस्तर छोड़ दिता है। कितना शाह जी हजरत जाबर बिन शमला फरमाते हैं जिवे ही मैं अपना बिस्तर छोड़िया जाए मैं तुर पिया मेरे नबी अपनी जुल्फां खोल के जुल्फां खोल के जुल्फां खोल के तवज्जो मेरे अल करी जुल्फां खोल के मेरे नबी सीन विच बैठे ने। हजरत जाबर बिन समरा फरमांदे ने मैं सामने खड़ा हो गया हां अज मंजर खुशी करनी है अज फैसला करना है। जब मैं देख आवे असद भाई मेरे अल तवज्जो करण वाला मेहमान स्टेज पे भी आ जाएगा घबराना नहीं। हजरत जाबर बिन समरा फरमांदा है मैं कभी आसमान के चंद वल्लों वेंदा है कभी हुजूर दी ज़ुल्फां दे हलारे वल्लों वेंदा है। उधर जदों हुजूर मस्जिद नबवी च बैठे ने ठंडी ठंडी हवा पे चलदी है जदों ठंडी ठंडी हवा चल रही है ज़ुल्फां कभी हुजूर ने चेहरे ने क्या दिया ने कभी ज़ुल्फां चेहरे तो पीछे जांदी ने कभी ज़ुल्फां चेहरे देख के कभी ज़ुल्फां चेहरे तो पीछे। हजरत जाबर बिन समरा फरमांदा है ओवरऑल चल रही है लेकिन साड़िया महफलों का फायदा भी तो ही होना है जो साड़ी कौम इस गल की समझ आ जाए साड़ी कौम इस गल की समझ आ जाए कि जो अल्लाह का कुरान पढ़िया जाए फिर अल्लाह का कुरान सुनी दे। तवज्जो मेरे अल करो अहबाबे गिरामी कादर नारा मारो जी असद भाई नारा मारो इस्तकबाल करो रास्ता छोड़ते जाए मेरा भाई रास्ता छोड़ते जाए तमाम दोस्त अहबाब पीछे पीछे तमाम दोस्त अहबाब तशरीफ रखें बिल्कुल बैठ जाए तमाम दोस्त अहबाब बैजो हूँ बैजो थोड़ी मेहरबानी अलहाज शबाज कमल फरीदी साहब तशरीफ लिया ही ने तमाम दोस्त साहब तशरीफ रखो हजरत साहब का बयान मुहब्बत समाप्त करो जरा मुहब्बत नाल थोड़ी मेहरबानी है अदब के नाल जरा थोड़ा जहा बैजो बैजो जिथे जड़ा खड़ा उथे बह जाए फिल फॉर बैजो थोड़ी मेहरबानी जेडे खड़े हो बह जाओ हाई साहब तशरीफ लिया तो नज़र भी आ गया हूँ बैजो थोड़ी मेहरबानी खिताब तो बाद हजरत साहब के खिताब तो बाद इंशाला अलहाज शबाज कमल फरीदी भैया अपनी नौकरी पेश करेंगे इंशाला नाराए हैदरी अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। तवज्जो है हजरत जाबर बिन समरा फरमांदे ने मैं सीन च खड़ा हो गया दरवाजे च इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है
इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे नबी दी जुल्फां हिल रही ने, मेरे नबी दी जुल्फां हिल रही ने। कभी हुजूर दी जुल्फां हुजूर दे चेहरे पे, कभी हुजूर दी जुल्फां चेहरे तो पीछे। हजरत जाबिर बिन सुमरा फरमाते ने, कभी मैं हुजूर वल्लों वेखना, कभी आसमान दे चन्न वल्लों वेखना। एक बार गूंगा बंदा ना बोले उसकी मजबूरी है, जरा बोल सकता मजमे चुक अज के बोले, हुण जरा बोलिया जरा सज्जा हाथ काट के बोले, पता लगे कि ना बोले। हाँ तवज्जो चाहना, हजरत जाबिर बिन सुमरा फरमाते ने, उधरों मैं वेखिया आसमान के चन्न वल्लों, उधरों वेखिया हुजूर वल्लों। जदों हुजूर दी जुल्फां चेहरे अगे आंदियां ने ना, चन्न बदली तू बाहर आ जांदा है, चन्न बदली तू बाहर आ जांदा है। तो जदों हुजूर दियां जुल्फां चेहरे तो हटदियां ने ना, मेरे नबी दा दे चेहरे दा नूर इतना जाहिर हुंदा है कि चन्न शर्मा के बदली दे थले। इधर कभी जुल्फां चेहरे दे अगे, कभी पीछे, कभी अगे कभी पीछे, उधर चन्न कभी बदलां दे थले, कभी बदलां तो बाहर। तवज्जो मेरे अल करी, उधर चन्न कभी बदलां दे थले, कभी बदलां तो बाहर, कभी बदलां दे थले, कभी बदलां तो बाहर। इधर जुल्फां कभी चेहरे दे अगे, कभी पीछे, क्या जुल्फां केड़ियां ने शायर ने अपने प्यारे अंदाज नाल तर्जमा नहीं की थी। शायर करना नूरी मुखड़ा बनाइए, बनाइए।
हुजूर दे चेहरे दा नूर इतना जाहिर होया है कि पता ही नहीं लग रहा आसमान ते चन है भी के कोई ना। अहबाबे गिरामी कद मेरे करीम आका अली सलाम दे गुलामों मेरे नबी ते जदों भी कौम ने इतराज किया है, जदों किसे दुश्मन ने इतराज किया है, जवाब किन्ने दिता है? ओ बोलो, जवाब किन्ने दिता है? जवाब मेरे अल्लाह ने दिता है। मेरे नबी तशरीफ फरमा ने मक्के दा काफर मेरे नबी दा दुश्मन ना है वलीद बिन मुगीरा आया हुजूर ते माजल्ला तान कर रहे इधर हुजूर नु तकलीफ दे रहे हैं। मेरे नबी उदे हर जुमले ने सुन के परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया सुनिया इन जवाब तू नहीं देना, उची इन जवाब तू नहीं देना, इन मैं देना। यार मेरे की गल कर रहे ना, इन जवाब भी मैं देना। अल्लाह ने फरमाया जबरी हुक्म होवे मौला, अल्लाह पाक ने फरमाया जा वलीद बिन मुगीरा मेरे यार नु परेशान कर रही ते जा मेरे यार नु पैगाम दे दे सुनिया इस बंदे दी गल नाल परेशान ना होवी उतुल लिम्बा दा जालिका जनीम ए हराम दा है। हाय 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 हुण तुसीं आखना मौलवी ने वेखो जी स्टेज दे उत्ते मिंबरे रसूल ते बह के हराम दा कह दिता है। ओ बेलियो मैं कुरान दी आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया उतुल्लिम बाद अज़ालिका ज़नीम ए हराम दा है। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं पहुंचे नहीं तुसीं, पहुंचो। जदों भी दुश्मन मेरे यार दी मेरे नबी दे बारे गल कीती है ते जवाब अल्लाह ने दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया सोणिया वलीद बिन मुगीरा दी इस बकवास दे नाल परेशान ना होवी, एदी असल खराब है, एदी असल खराब है, हराम दा है। जदों मेरे नबी ने अल्लाह दा पैगाम सुनाया ना, ओए ओए वलीद बिन मुगीरा चल तू तो है ही हराम दा, ते नबी दी शान ते भौकदा होवे जिहदी अम्मा दा किरदार गलत होवे, जिहदी अम्मा दा किरदार जिंदी अम्मा नु उस नुक्ते दे ना पता होवे है किंदा। मैं दी डेफिनेशन करना, उतुल लिम्बा दा जालिक ज़लीम दी डेफिनेशन करना। हुजूर ने फरमाया चल तेरी असल खराब है, बयान किया मेरे अल्लाह दा उतुल लिम्बा दा जालिक ज़लीम सुनिया एदी गल नाल परेशान होवी ए है ही हरामी, ये है ये दी असली खराब है। इधर मेरे नबी ने फरमाया चल तेरी असली खराब है। उन्हें ना अच्छा इस मुकाम पे मैं शाद करा दस इस आयत बयानात के अंदर इस वलीद बिन मुगीरा दी दस निशानियां अल्लाह ने बयान कीतियां ने जिदे विच ये खुद गरज भी है जिदे विच बेगैरत भी है, मतलब कई ऐसियां निशानियां नौ निशानियां ने मैं शाद करा जिहड़ी दसवीं निशानी है ना वो है कि ये हराम दा है। अच्छा तवज्जो तुसी बड़े परेशान हो, तवज्जो करना इधर अल्लाह ने फरमाया दी असल खराब है। वलीद बिन मुगीरा ने ना जदों ओ आयत बयानात सुनी पिछलियां नौ निशानियां उन्हें आख्या ए भी मेरे च है, ए भी मेरे च है, ए भी है, इंदा भी पता है, इंदा भी पता है, इंदा भी पता है, इंदा भी पता है, हां ए भी है, ए भी है, नौ हो गईयां पीछे, इंदा मैनू नहीं पता, इंदा मेरी अम्मा नू पता है। आखरी जड़ी आज दी असल खराब ऐदा पता मेरी अम्मा नु। वलीद बिन मुगीरा ने तलवार चुकी अम्मा दे कोल, अम्मा मुसलमानों दे नबी ने आखे कि मैं हराम दा वा, दस इंदा तैनू पता है मैं हराम दा कि हलाल दा, ते जे तू मेनू गल सच्ची ना दसी ते मैं तेरा तलवार नाल सर कलम कर देना। तवज्जो करी इधर वलीद बिन मुगीरा कहंदा है अम्मा गल सच्ची दस, नौ निशानियां जड़ियां नबी ने बयान कीतियां ने उन्हां दा मैनू पता है, दसवीं दा मैनू नहीं पता, इहदा तैनू पता है, दस मैं किंदा पुत्र हां। ते मां ने आख्या पुत्रा जो मुसलमाना दे नबी ने आख्या है ओ ठीक है,
जो मुसलमान दे नबी ने फरमाया है वो ठीक है। अम्मा दस एदी वजह की बनी, क्या तू बद किरदार से ते मां क्या नहीं हो सका? फिर मैं हराम दा किवें हो गया? हो सका पुत्र ओदी वजह ऐसी कि तेरे बाप दी जायदाद बड़ी सी ते तेरा बाप नमर्द सी, ओदे कोल औलाद नहीं सी हो रही। मैं सोचा जी इतनी जायदाद केड़े खाते जानी है। मैं घरों निकली बाहर जंगल च गई, बकरियां दा छेड़ू आया, ओदे नाल मैं ताल्लुक कायम कीता, पुत्रा तू अपने दा ने बकरियां दे छेड़ू दा है। हुण तवज्जो करी, मैं कुरान दी आयत पढ़ रहा, मैं स्टेज दे उत्ते मिंबरे रसूल ते जिम्मेदार हां, मेरे तीन कैमरे लगे ने, इस तो इलावा मोबाइल भी चल रहे ने। मैं झूठ बोला है, कैमरे झूठ नहीं बोलन देंगे। अल्लाह दा कुरान फरमांदा है वलीद बिन मुगीरा दी असल खराब है। इधर मां ने दसिया, हां पुत्र तू अपने दा नहीं तू बकरियां दे छेड़ू दा है। पता लग्या जड़ा मेरे नबी दे साथ ते पहुंचे ओदी मां दा किरदार। मेरे नबी दी शान ओही बयान करदा जी दी मां ने कुरान पढ़ के लोरियां दित्तियां। अल्लड़ बल्लड़ भावे दा नहीं, उन्हें कुरान पढ़ के अल्लाह का जिक्र करके लोरियां दित्तियां हों। अहबाबे ग्रामी कादर, मेरे करीम अकालीहिम सलातु वसलाम दे गुलामों, जदों भी जिस दौर च भी हुजूर दे उत्ते कोई इतराज आया, जवाब मेरे अल्लाह ने दिता है। मैनू भाई परवेज का एक हुक्म है, इत्थे बैठे ने, मैं लम्मी नहीं सिर्फ उन्होंने राजी करने वास्ते, ज्यादा ज्यादा भी नहीं, सिर्फ शेर ही पढ़ देना जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हालांकि उन्होंने हुक्म होया कि तुसा मिलाद भी पढ़ने, हुजूर दी शान भी पढ़नी है, ते आहले बैत दा जिक्र भी करना। बिस्मिल्लाह। ते मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ शेर दे विच ही गल मुका देना। अजमत आले नबी दूर न जाना, दूर न जाना ले दे दे, दूर न जाना ले दे दे। फिल कुर्बा इन्नमा शुरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रज़्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अज़मत हर बंदा दोनों हाथों में थले बना के बोला हुसैन की बारगाह में जाना पे।
खामोश कर ले जो बाजू नहीं रख सकते हो दुआ करना दुराने गुफ्तगू अदबन एहतरामन ज़ेरन ज़बरन शद्दन मद्दन सहमन कसदन अगर कोई गलती हुई लजपाल नबी अल्लाह तमाम कुताहियां दी माफ़ी अता फरमा के बंदे न चीज़ दी हाज़िरी नूं अपनी बारगाह दर्जा कबूलियत अता फरमाए साडे सब वास्ते ज़रिया नजात बनाए बमा तौफीक इन्हें भी पढ़ लो मैं इन्हें भी नहीं पढ़ना असि बस तशरीफ लै ने आई साहब आप दे वाले मैं कर दे पंज तन पाक दे घर नाल रख निस्बत तेरा काम कोई अड़े ते मैं झूठा पंज तन पाक दे घर नाल रख निस्बत आप जिहड़ी आयत पढ़ी है और जिहड़ा जिक्र कर रहे सन मैं इको शेर च पेश करना अगर तवज्जो है तो सुभान अल्लाह बोलने की जरूरत कोई नहीं अगर स्टेज वाले ने भी जरूरत है कि शेर पढ़ लीए तो फिर सुभान अल्लाह बोल दो माशाल्लाह बलोच बरादर अल्लाह तुहानू सलामत रखे तुहाडे मोहब्बत नू पंज तन पाक दे घर नाल रख निस्बत तेरा काम को यड़े ते मैं झूठा पंज तन पाक दे नां ते सिद्ध डोरा तेरी गुड्डी ना छड़े ते मैं झूठा विरत पंजा दे नां ता कर ते सही ओए लोग पूजा ना थड़े ते मैं झूठा तारक चिश्ती तू पंजा दा मार ना रा दुश्मन सामने खड़े ते मैं झूठा ते पांच बारी जेड़ा मैं तुहानू दस्सिया नारा बोल के पंज तन सारे सारे फर्दे बोल तो लैके फर्दे आखिर तक जेड़ा मैं दस्सिया नारा लाणा पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन 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 पंज तन तन मैं इको शेर किया है हाथ को थले ना रखे क्योंकि ये जो दुनिया देखो ना हाजी शबाज साहब ने इनकी मोहब्बत में कर दियो इनकी सब तो बड़ी वजह की है ये जो दुनिया हमारी दीवानी है ये तो पंज तन की मेहरबानी है तो पंज तन की मेहरबानी हाथ उठा के मिलके था पंज तन 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 कैमरामैन भाई जरा कैमरा घुमाकर फरते अव्वल से लेकर फरते आखिर तक जो खड़ा है जो बैठा है जो पंज तन के दल का नौकर है वो हाथ उठा के बोलेगा पंज तन 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 नबी है मुस्तफा दो बारी कह देना पंज तन नबी है मुस्तफा नबी है मुस्तफा नबी है मुस्तफा अली है मुर्तजा अमजद भाई वसीम भाई इन्होंने क्या नौकर जारा दे ते एक शेर तुसा पढ़ दियो नाल एक एक शेर माइक दे दो जरा एक मिनट कोनी दे स्टैंड सेट हो रहा है हुंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर बीबी पाक दे नां ते हाथ उठा के बोल मास्टर साउंड हैदराबाद थोड़ा चला दे मेरा भाई बस इको शेर इन्होंने पढ़ना तो मैं एक शेर उधर पढ़ दो हाथ उठा के उठाइए हाथ हिजाब असमत से इज्जत लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज बतूल लिखूं उठाइए हाथ और बोलेगा होंगे ढेर बटे लजपाल ढेर बटे लजपाल नौकर कर जाहरा दे एक भाई की फरमाइश है मैं को दिल नहीं दुखना चाहिए तुझे हाथ उठा के जरा जेड़ा नौकर दे जाहरा बैठा है पंज तन पाक दे घर दा नौकर बैठा है हाथ उठा के लजपाल नौकर जाहरा दे जिनों
कर जहरा हुंदे ढेर वडेले जी पाल जी नौकर जहरा दे हुंदे ढेर वडेले जी पाल ने नौकर जहरा रहन मरद तो बाद भी नाल नौकर 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 आला सलामत रखे शबाज पाकिस्तान बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अलहाज शबाज कमर फरीदी साहब फरीदी साहब गुलहै की इज्जत पेश फरमाएंगे फरमाएंगे हर चीज सेट हो चुकी है।